नमस्कार दोस्त, मैं विकास कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विकास हेल्थ के चैनल में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अगर कान में आपके कनगोजर घुस जाए तो हम उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो गाइस, अगर लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं भी ये भी सजेशन देना चाहता हूँ कि आप झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहें अगर आपके कान में कनगोजर घुस जाए तो। मैं घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो गाइस देखते हैं फिर। गाँव में अधिकतर क्या होता है, जब आप आपके घर में कहीं पे जो मिट्टी की दीवार होती है उसमें से अगर आप मान लीजिए लेट गए हो तो वहाँ से जब कनगोजर निकलती है तो आपके कान में घुसती है तो झोला छाप डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवा देती है, कुछ सुई दे देंगे आपको और पैसे बनाकर वो चले जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ झोला छाप डॉक्टरों से सावधान। मैं घरेलू नुस्खे ये बताने वाला हूँ, जैसे मतलब मान लीजिए आपके कान में घुसे तो आपके किराना स्टोर या कहीं पे भी आप दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आप सेंधा नमक आप बोलेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल जाएंगे सेंधा नमक। उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े में उसको डिवाइडेड करके और हो सके तो ग्राइंडर मशीन में या सिलवट पर, आप घर घर में मसाले पीसने वाले होंगे सिलवट, उस पर महीन में पूरा महीन तरीके से पीस लें और उसको पानी में घोल डालना है। ज़्यादा 10 मिनट में तो आप कर ही सकते हो, तो उसे अच्छी तरह से फेंट कर घोल लेना है, मतलब मिला लेना है उसके, घोल लेना है पानी में और थोड़ी सी 2 बूंद 10 बूंद कान में आपके डालना है, जहाँ पे मतलब जैसे एक कान में घुसा है तो इधर इधर वाले में इधर, जिस कान में घुसा है उधर पानी आपको डालना है। पानी आप डालेंगे तो जैसे आप पानी डालेंगे तो अंदर से जब जाएगा ये घोला हुआ पानी सेंधा नमक का तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा वो, अगर नहीं भी निकला तो अंदर मरकर वो अंदर ही मर जाएगा और वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे। आपको कचड़ा निकालते होंगे कान में से तो पता होगा, तो उसी टाइप से थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली सेंधा नमक से। और वो दवाई क्या देते हैं, एंटीबायोटिक जो होती है केमिकल द्वारा, हमारे कान में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा झोला छाप डॉक्टरों से बिल्कुल दूर रहें, उनसे सलाह सजेस्ट लें भी नहीं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बता देंगे। आज की स्थिति में हमारे जो आयुर्वेदिक इतना महान है, आप घर बैठे हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अभी किन्हीं को पता नहीं है तो मैं ऐसे ही सर्च करके ढूंढ कर लाता रहता हूँ जिससे आपको बेनिफिट्स हेल्थ में प्रॉब्लम में सुधार आए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बहुत खोज कर सर्च कर कर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको झोला छाप डॉक्टरों से सावधान रहें और आपको पैसे खर्च ना हो। तो आप बहुत सी थोड़ी मात्रा में 2 रुपये में 5 रुपये में आप इलाज कर सकते हैं। क्या हुआ, कार में आपके चले जाएंगे, 5 रुपये का संधा नमक थोड़ी सी लाएंगे, उसे पीस कर कर्म डालेंगे तो आराम से सही हो जाएंगे। और झोला छाप डॉक्टर जो आपके पास आएंगे कम से कम 200, 250, 300 तो बनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं जो भी सजेशन देता हूँ पूरा सटीक रहती है, तो आप अगर ऐसा हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, ये पूरा ट्रायल करा हुआ काम है, तो सेंधा नामक से आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। तो गाइस, आज हम कान के बारे में जो कनगोजर घुसे थे उसके बारे में पढ़ा सुना समझा, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है बाल पकने का, तो बाल क्यों पकते हैं, कैसे पकते हैं, इसे रोकने के लिए हम क्या करें, तो ये चैनल पर इसी चैनल पर आने वाली है। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं बाल पकने के बारे में वीडियो में सटीक लाने वाला हूँ, उपाय क्या कैसे सही होगा, क्यों पकते हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ इस चैनल पर, तो हमारी वीडियो कैसे लगे लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे पता चले कि हाँ इतने लोगों को पसंद आ रही है हमारी वीडियोज़। तो गाइस चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।